एक अच्छा मसल्स वेट बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक डाइट लेनी पड़ती है। एक ऐसी खुराक लेनी पड़ती है जिसमें एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट और भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो कि सीजन का हो और जल्दी से हजम हो सके और जिसमें प्रोटीन भी हो। मतलब इतनी सारी चीज़ें अब आप कहाँ से लेकर आओगे, आप शायद अब ये सोच रहे होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, कुदरत के हिसाब से चलोगे ना तो बॉडी जरूर बनेगी। कुदरत ने हर समय के लिए हर चीज़ बनाई है। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रखो। हर समय आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहना चाहिए, क्योंकि ये घटता क्यों है? जब हम टेंशन लेते हैं या फिर जब हम उल्टा सीधा खाते हैं तब ये हार्मोन घटता है। और ज़्यादातर लोग दोनों चीज़ें करते हैं, टेंशन भी लेते हैं और उल्टा सीधा कबाड़ भी खाते हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियाँ खा सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज। अश्वगंधा आप इंस्टेंट वेदा का प्रयोग कर सकते हो, नो साइड इफेक्ट है। सबसे पहले आपको आपकी जो फिजिकल वीकनेस है वो दूर होगी, 15 दिन बाद आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी। इसको खाने से जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो मसल्स बिल्ड भी ऑटोमेटिक होगी ही होगी। इसकी खास बात यह है कि 100 किलो में सिर्फ 10 किलो एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसका प्राइस 600 रुपये है, लेकिन मेरे यहाँ आपको ऑफर मिल जाएगा, ये आपको 450 रुपये, 450 रुपये में मिल जाएगा। लेने का तरीका सिंपल है, रात को दूध के साथ और ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। इसकी जो कैप्सूल आते हैं, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में है ये कैप्सूल जो है इसका, आप एक कैप्सूल लें ब्रेकफास्ट के बाद और रात को दूध के साथ। ऑर्डर कराना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन पर इसका अच्छा रिव्यू है, बहुत बेनिफिट इसका आपको मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, मतलब आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जिससे आपका पेट भी ना भरे और आपकी मसल्स ग्रोथ भी हो बिल्कुल तेजी से। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल शाकाहारी। सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी भुना हुआ चना की। 10 बजे के करीब आपको 50 ग्राम भुना हुआ चना लेना है और साथ में एक डली गुड़की लेनी है। इससे एक तो आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, दूसरा आपकी हड्डी मजबूत होगी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, जो भी मतलब आपने पिछले दिन या फिर सुबह जिम करके एक्सरसाइज करके मसल्स तोड़ी उसको ये रिकवर करेगा और आपके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है जिसकी वजह से वजन घटा हुआ होता है। मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, मतलब इतने सारे फायदे हैं कि वीडियो लंबी चली जाएगी। इसके इतने फायदे हैं, शायद आप ना खाते हो इसको, लेकिन इसको खाना बहुत जरूरी है। आर्मी वाले भी इसको खाते हैं और पहले पहलवान भी खाते थे, अब भी खाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारे फायदे होते हैं चने के। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल भुने हुए चने की, जो कि आपको 10 बजे गुड़ के साथ खाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चना खाने के एक घंटे बाद आपको एक कटोरा दही लेनी है, उसमें मिश्री या फिर चीनी डालनी है और चार से पाँच पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं और साथ में आपको एक गिलास लस्सी का लेना है। ये आपको 11 बजे खाना है या फिर 11:30 बजे आप खा सकते हो इसको। ये आपकी एक तरह से प्रोटीन से भरपूर हाई लेवल की डाइट बन चुकी है, जो कि आपके अंदर की प्रोटीन की कमी को पूरा करेगी और आपकी मसल्स की ग्रोथ को पहले से ज़्यादा बढ़ा देगी। क्योंकि देखो 10 से 12 बजे के बीच में जो मैंने आपको ये डाइट बताई, जब आप ये डाइट लोगे मतलब आपकी डाइट बढ़ चुकी है। जब आप ये सब खाओगे जो मैंने आपको बताया, आपकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, आपका जो वो कैलोरीज आपकी बढ़ जाती है, तो होगा ये कि आपकी ग्रोथ एकदम से पीक पर जाएगी। और जो ये दही और लस्सी मैंने आपको बताया ना, इसकी ग्रोथ इतनी खतरनाक है ना, इतनी खतरनाक तरीके से ग्रोथ करती है ना, इसमें आप मिश्री डालो और तुलसी के पत्ते डालो, दैट्स इट। इसकी ग्रोथ इतनी खतरनाक है ना भाई दही और लस्सी खाने से, कि आपको एक महीने या दो महीने में ही शायद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि ना तो इसको पाचन तंत्र का ना तो कोई पाचन तंत्र को ताकत लगानी पड़ती है दही और लस्सी को पचाने के लिए। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी मसल्स को बिल्ड करेगा। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, आपको आपकी मसल्स ग्रोथ में, देखो प्रोटीन की कमी पूरी करेगा, आपकी मसल्स ग्रोथ करेगा, इससे आपको कम से कम 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है इन दोनों चीज़ों को, एक कटोरा दही और लस्सी पीते हो आप। और 10 दिन में आपको अपने मसल्स का वेट, आपका मसल्स का जो वेट है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और जो जो डाइट मैं आपको बताता हूँ ना, इनका फ़र्क आपको तब पड़ेगा जब आपका वर्कआउट, एक एक पार्ट का वर्कआउट तगड़ा होगा, शोल्डर, चेस्ट, हर एक पार्ट का वर्कआउट तगड़ा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको कैसे कैसे करके खाना है आपके समझ में आ गया, और ये भी दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपके बजट में होगा। दूध मतलब चने का तो आप कर लोगे, लेकिन दही और लस्सी का भी आप ध्यान से कर लोगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से कहीं से भी कर लेना। लेकिन ये बात रखे, कोई भी मतलब कंपनी का नहीं होना चाहिए, घर की दही लस्सी होनी चाहिए, ये बात मेरी याद रखना। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई अगर किसी भी कंपनी की दही या फिर लस्सी उठा कर ले आओगे। आपके घर में बनी हुई या फिर कोई भी जो बनाता है घर पर दूध की, असली दूध की, वो दही लस्सी आपको खानी है, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।